वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद वी मोरिया इंग्लिश हाई स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 16, वाटर. ओके, सो हियर नाउ डू यू नो इफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज गेट मिक्स्ड विद रिवर वाटर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन कैनॉट कीप पेस. अब देखो, अगर जो हमारे जो रिवर वाटर होता है उसमें अगर लार्ज क्वांटिटी, मतलब अगर फैक्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेड वाटर, राइट, अगर पॉल्यूटेड वाटर सारे रिवर्स में मिक्स होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो ये जो रिवर वाटर है उसमें क्या हो जाएगी, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़. देखो, इफ़ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज़, मतलब अगर ज़्यादा गंदा पानी उसमें मिक्स हो गया विद द रिवर वाटर, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन कैनॉट कीप पीस. तो उसको नेचुरली प्रोसेस से प्योरीफाई नहीं कर सकते. द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज रिड्यूस्ड. अब देखो, जो प्रपोर्शन होता है ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होता है वाटर में, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड दिस इज अ थ्रीट टू द एक्वेटिक लिविंग थिंग्स. तो देखो, इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक लिविंग थिंग्स है पानी के, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. अब देखो, वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, ट्राई दिस. तो आपको ये देखो ट्राई करना है. टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ ओवर द माउथ. अब देखो, आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, सी ओवर यर. देखो, एक प्लास्टिक बॉटल लेके उसके एकदम माउथ पे, उसके मुंह पे क्या करना है आपको, एक क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, मतलब एक साफ कपड़े का टुकड़ा वहाँ पे लगा देना है. कट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल, होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन. अब देखो, जो इसका बेस होता है, ये देखो सी ओवर यर, ये बेस है, राइट, उसको क्या कर देना है, कट कर देना है. और उसके बाद में उसको होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, मीन्स वो जो बॉटल है उसको अपसाइड डाउन कर देना, उल्टा कर देना है. पोर सम पाउडर्ड कोल इनटू इट. अब देखो, उसके बाद में वो आपने नीचे क्या करे, उसके सबसे नीचे क्लोथ लगाए, राइट. क्लोथ लगाने के बाद में आपको क्या करना है, पाउडर्ड कोल डालना है, मीन्स पाउडर किया हुआ कोल, कोल मीन्स कोयला, उसको डालना है. ओके, देन ऐड फाइन सैंड, और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक फाइन सैंड डालना है. ओके, एंड लास्टली कोर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर इन द बॉटल एज शोन इन द डायग्राम. देखो, जैसे यहाँ पे ना शो दिया हुआ है, देखो डायग्राम में क्या दिया है, पहले क्लोथ दिया हुआ है, फिर पाउडर्ड कोर डाले, फिर एक फाइन सैंड डाल के, फिर कोर सैंड मीन्स थोड़ी मोटी सैंड डाल देने का है. ओके, नाउ प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ प्रपोर्शन. अब देखो, उसको क्या करना है, लोअर कट ऑफ प्रपोर्शन पे प्लेस करना है एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिया हुआ है. नाउ पोर सम मडी वाटर कंटेनिंग सम रबिश स्लोली इन टू द बॉटल. अब देखो, उसमें आपको क्या करना है, कुछ रबिश वाटर, जो गंदा पानी था, जो थोड़ा बहुत मडी था, मिट्टी वाला पानी था, उसको क्या करना है, उसमें वो जो ये आपने जो बॉटल कट करके जो बनाया है उसमें डालना है. ऑब्जर्व द वाटर दैट फ्लोज इन टू द बेस ऑफ द बॉटल. अब आपको वो वाटर को ऑब्जर्व करना है जो बेस में फ्लो होकर आ रहा है. इट अपीयर्स क्लीन, वो क्या होकर आ रहा है, वो एकदम साफ होकर आ रहा है. ऑफ कोर्स यू हैव लर्न दैट देयर कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट. तो देखो, आप लोगों को क्या समझ में आ गया कि उसमें जो थे क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो उससे वो क्लीन होके नीचे आ गया. ओके, नाउ सी वाटर वर्क्स. विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स अलॉन्ग विद योर टीचर. अब देखो, आपको कोई नियरेस्ट वाटर वर्क पे जाना है अलॉन्ग विद योर टीचर, अपनी टीचर के साथ. ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू एन ऑफिशियल देयर टू लर्न अबाउट द प्योरिफिकेशन प्रोसेस. तो वहाँ पे जाके आपको परमिशन लेना है कि आपको क्या करना है, उससे इंटरव्यू लेके वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस को क्या करना है, लर्न करना है. यू मे आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आप उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो.
वाटर सोर्स, व्हाट सोर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। अब देखो कौन सा सोर्स ऑफ वाटर यूज होता है पब्लिक सप्लाई, वाटर सप्लाई सिस्टम में, मीन्स वाटर जो पब्लिकली सप्लाई होता है उसके लिए कौन सा सोर्स यूज होता है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्योरीफाइड एवरी डे। अब देखो हर दिन कितना लीटर जो है पानी वो प्योरीफाई होता है। वॉट प्रोसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री। अब देखो वो वाटर को क्लीन ट्रांसपेरेंट और जर्म फ्री करने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है। इन वॉट ऑर्डर आर दिस प्रोसेस कैरीड आउट। और देखो कौन से ऑर्डर में ये सारी प्रोसेस कैरी होती है। वॉट इज डन टू रिड द वाटर ऑफ बैड स्मेल। और जो जो वाटर जिसमें से गंदी स्मेल आती है उसको कैसे रिड कर दिया जाता है। नाउ डू यू नो, वाइल ट्रैवलिंग वी ऑफन बाय बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो डू यू नो, क्या आपको पता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ये पानी की बॉटल खरीदते हैं, राइट, पीने के पानी की बॉटल्स खरीदते हैं। द बॉटल आर अवेलेबल एट प्लेसेस लाइक बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन। तो देखो जो पानी की बॉटल्स होती है वो ज़्यादातर कहाँ अवेलेबल होती है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, राइट। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर गिवन ऑन द बॉटल एंड टेल अदर अबाउट इट टू। तो देखो आपको जो आप बॉटल खरीदते हो ना पानी के, उस पर क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है आपको रीड करना है, और आपको आपके मतलब एंड टेल अदर्स अबाउट इट, मतलब बाकियों को भी उसके बारे में बताना है। द डेट ऑफ बॉटलिंग एंड द पीरियड फॉर विच द वाटर कैन बी सेफली यूज इज प्रिंटेड ऑन द बॉटल। अब देखो वो पानी कब से, वो जो पानी है उसके मतलब उसके ऊपर क्या लिखी रहती है, डेट लिखी रहती है, राइट। पीरियड फ्रॉम विच द वाटर कैन बी सेफली यूज, मतलब कब तक के वो वाटर सेफली यूज कर सकते हैं उसे, इज प्रिंटेड ऑन द बॉटल। तो वो बॉटल पे प्रिंटेड होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन बाइंग अ बॉटल। तो देखो अगर आप बॉटल खरीद रहे हो तो उससे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन देख लेना सही होता है। वंस यू हैव ओपनड इट द वाटर शुड नॉट बी केप्ट फॉर वेरी लॉन्ग। एक बार अगर आपने उसको ओपन कर दिए तो उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। द एम्प्टी बॉटल मस्ट बी क्रश्ड एंड थ्रोन इन अ गार्बेज बिन सो दैट इट कैनॉट बी रीयूज्ड। अब देखो वो जो एम्प्टी बॉटल होती है उसको अच्छे से क्रश करके गार्बेज बिन में, मीन्स डस्टबिन में फेंक देना चाहिए ताकि वो वापस से यूज में ना आए। नाउ कैन यू टेल If at some place it did not rain for a very long period of time, what would be its effect on the life of the people there? अब देखो कुछ जगहों पर जो है ज़्यादा टाइम तक जल्दी बारिश नहीं होती है, तो what would it be its effect on the life of the people there? तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा वो लोग जिन जो वहाँ पर रहते उन पर। नाउ वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस ऑफ वाटर ऑफ द वाटर वर्क्स। अब देखो वाटर प्योरीफिकेशन कैसे होता है और क्या प्रोसेस होता है वाटर वर्क्स का। सेटलिंग द वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज टैंक्स। एलम इज ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग। सी द वाटर फ्रॉम द अदर वाटर सोर्स इज अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज टैंक। क्या करते हैं बहुत सारे वाटर सोर्स को एक बड़े बड़े टैंक में रख देते हैं। एलम इज़ यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग, और उसके लिए क्या यूज़ होता है, एलम भी होता है यूज सेटलिंग करने के लिए उसको। ओके
ओके. सो एलम मीन्स फिटकड़ी जो होती है ना वो होता है एलम. नाउ सी फिल्ट्रेशन. वाटर इज फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन. अब देखो जो वाटर होते वो कैसे फिल्टर होते हैं, फिल्टर्ड मशीन यूज करके जो वाटर होते हैं उसे फिल्टर किया जाता है. ओके सी हो गया. देखो यहाँ फिल्टर मशीन है, उसके पाइप्स गए, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, प्यूरीफाई हो रहा है. ऑक्सीजनेशन. एयर एंड वाटर आर अलाउड टू मिक्स विद द हेल्प ऑफ पंप्स. दिस कॉज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व द वाटर. एंड द लास्ट इज क्लोरिनेशन. क्लोराइन इज मिक्सड इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट. देखो जो क्लोरीन होता है उसको क्या करते हैं, पानी में मिला देते ताकि जो जर्म है उसमें वो मर जाए. देखो ये जो सारे वाटर, ये जो फोटोज है वो कौन कहाँ की है, फोटोग्राफ्स कर्टसी पर्वती वाटर वर्क्स पीएमसी पुणे. मीन्स वो जो पर्वती वाटर वर्क है पुणे में पीएमसी में वहाँ की है. नाउ फेमाइन. वाटर इवोपरेट्स कंटिन्यूसली. देखो जो वाटर होता है वो क्या होता रहता है, इवोपरेट्स होता रहता है, राइट, कंटिन्यूसली. दैट इज़ वाई प्लेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ ड्रॉट. इसीलिए जहाँ पे ज़्यादातर जल्दी रेन बारिश नहीं होती है तो वो लोग ये मुश्किलें ज़्यादा झेलते हैं. एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल इन रिवर वेल्स लेक्स बर्न्स एंड डैम्स. सो ऑफ दिस मे इवन गो टू ड्राई. देखो वो सारी प्लेस पर इसीलिए जो रिवर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, डैम्स होते हैं, वो सारे क्या हो जाने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं. द लैंड ऑल्सो ड्राइज अप ड्यू टू इवोपरेशन. और जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो भी क्या हो जाती है, एकदम सूखी हो जाती है इवोपरेशन की वजह से. ह्यूमन एंड एनिमल सफ़र फ्रॉम स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो इसीलिए वहाँ के जो ह्यूमन्स होते हैं और एनिमल होते हैं उनको वो क्या हो जाती है, एकदम पानी की स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है, मतलब पानी की तंगी एकदम से झेलनी पड़ जाती है. देर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर. अब देखो पानी एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी फिर नहीं रहता. दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ फेमाइन. तो ये सारी कंडीशन को क्या कहा जाता है, फेमाइन. अ फेमाइन इज़ अ नेचुरल डिजास्टर. तो ये जो फेमाइन है वो क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है. ग्रेन एंड फोडर बिकम स्कैरर ड्यूरिंग अ फेमाइन. तो देखो जो ग्रेन होती है, जो फोडर्स हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाती है, एकदम कमी हो जाती है फेमाइन की वजह से. यू मे हैव रीड अबाउट अ फेमाइन इन अवर स्टेट और कंट्री और इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आपने फेमाइन के बारे में रीड किया होगा, राइट, कहाँ पर, हमारे स्टेट में या फिर कोई कंट्री में या फिर कोई भी पार्ट में वर्ल्ड के. पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप. जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारी तकलीफें वहाँ पर झेलनी पड़ती है. पीपल लिविंग देयर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप. एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोज पार्ट ऑल्सो सफर. तो देखो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको तो तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी बहुत, मतलब बहुत सफ़र करते हैं. द गवर्नमेंट टेम्पररली मूव्स पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम फेमाइन स्ट्राइकन एरियाज टू सेफ प्लेस वेयर दे कैन बी प्रोवाइड विद वाटर, फूड ग्रेन एंड फोडर. तो देखो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, टेम्पररी, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन लोग को क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करती है. ओके, ताकि ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करती है जहाँ पे पानी, फूड ग्रेन्स, फोडर हो. फोडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. अब देखो जो फोडर कैंप रहता है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें डोमेस्टिक एनिमल की केयर कर सके. नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन. योर क्लास विल बी विजिटिंग अ लेक विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी. अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपकी जो क्लास है वो विजिट पे जा रही है एक लेक पर जो बहुत दूर है सिटी से. अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड फॉर द डे ड्रिंकिंग वाटर. तो देखो पूरे दिन को पानी पीने के लिए आप लोगों के अरेंजमेंट करना है. नाउ वाटर मैनेजमेंट. रेन ब्रिंग्स अस वाटर अगेन एंड अगेन. तो देखो जो रेन होती है उससे क्या होता है, हमको
बार बार पानी मिलता है। बट वी गेट रेन फ्रॉम ओनली 4 months इन अ ईयर, लेकिन हमको पूरे साल में सिर्फ 4 महीने ही बारिश मिलती है, राइट? इफ रेन वाटर इज नॉट स्टोर्ड वी विल नॉट हैव वाटर फॉर आवर डेली नीड्स आफ्टर द रेन। तो देखो, अगर ये जो बारिश का पानी है उसको स्टोर नहीं कराया गया, बचाया नहीं गया, तो हमको पूरे साल के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप्ड। तो देखो, टू मीट द होल ईयर्स नीड फॉर वाटर रेन वाटर मस्ट बी स्टॉप। ओके, वेन इट इज स्टॉप इट पेरोकुलेट्स इन टू द सॉइल। अब देखो, जब वो जो बारिश होती है, वो जो जब 4 महीना होकर रुक जाती है, तो वो जो पानी रहता है वो क्या बन मिट्टी में क्या हो जाता है, सॉइल में जज्ब हो जाता है, राइट? एज द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इंक्रीज ट्रीज गेट वाटर। तो देखो, जब वो ग्राउंड वाटर है उसमें जब स्टोरेज इंक्रीज होती है, पानी जब हमारी ज़मीन को मिलता है, तो उससे क्या होता है, ट्रीज गेट वाटर। तो जो झाड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको क्या मिलता है, पानी उधर से मिल जाता है। वेल्स टू गेट इनफ वाटर एंड द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड। और देखो, जो वेल होते हैं, जो कुआं होता है, उसको भी क्या मिल जाता है, इनफ वाटर मिल जाता है, और उसकी वजह से जो लैंड होता है उसको हम इजीली कल्टिवेट कर सकते हैं। सेवरल मेथड्स आर यूज टू मेक रेन वाटर सीप इन टू द सॉइल। अब देखो, बहुत सारे मेथड यूज होते हैं रेन वाटर को सीप करने के लिए सॉइल के अंदर। ओके, लार्ज डैम्स कैन बी बिल्ड बट दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल प्लेसेस। देखो, लार्ज डैम बना सकते हैं, लेकिन हर जगह वो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इन दैट इवेंट द गवर्नमेंट एंड द पीपल केम टूगेदर टू अंडरटेक सेवरल वर्क सच एज बिल्डिंग स्मॉलर रिजर्वॉयर contour bunding stop the water of the smaller stream by constructing bunds on bandras etc। तो देखो, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट होती है और वो जो वहाँ के पीपल लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स, काउंटर बंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बिल्ड कर देते हैं। इन सम प्लेसेस वेल एंड डग इन द रिवर बेंड्स टू अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन देम। देखो, कुछ जगहों पर जो वेल्स होते हैं और जो डग होते हैं उसमें क्या हो जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है। रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स ऑफ हाउस इज ड्रेन्ड इन टू लार्ज टैंक प्लेस बिसाइड द बिल्डिंग। अब देखो, जो रेन वाटर रहता है, जो हमारे रूफ ऑफ द हाउस मीन्स घर की छत पर जब बारिश होती है, तो वो कहाँ हो जाती है, कुछ कुछ जो है वो जो ऊपर लार्ज टैंक रखे होते हैं उसमें जमा हो जाता है। Using all such method help us to store as much as water as possible। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, हम लोग जितना हो सके उतना water रख सकते हैं। देखो, a bund on the stream। देखो, ये क्या है, bund है stream पर जिसमें water store है। It is very important to use water carefully to stop rain water from flowing away, to make it into seep the ground or to collect in the tanks। अब देखो, ये बहुत important है कि हम लोग जो केयरफुली क्या करें, वो जो रेन वाटर है, जो पानी है, उसको क्या करें, एकदम संभाल के रखे, उसको अच्छे से कलेक्ट करके टैंक्स में रखे। Taking steps to ensure that rain water will be available even in the period after the rainy season is called water management। अब देखो, वो steps लेना ताकि जो हम जो बारिश का पानी है वो season के बाद में भी मिले, उसको क्या कहते हैं, water management। Now storing rain water in tank। देखो, ये जो rain water उसको कहाँ store कर रहे हैं, tank में। Making rain water seep into the soil। देखो, जो rain water उसको क्या कर रहे हैं, उसको सीप इन। देखो, यहाँ से ये घर में से क्या गया है, नल गया है पानी का, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये देखो, जो रूफ पे आ रहा है पानी, वो वहाँ से पाइप से क्या हो रहा है, वो सीप इन टू द सॉइल, मीन्स वो सॉइल में सेफ हो रहा है। ओके, नाउ ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस व्हाट मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड इन योर सराउंडिंग। अब देखो, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन
ढूंढना है और डिस्कस करना है कि आपके यहाँ पे कौन सा वाटर मैनेजमेंट यूज़ होता है। ऑलवेज रिमेंबर, और हमेशा याद रखना है, वाटर इज़ लाइफ, मीन्स जो पानी है वो क्या है, लाइफ है। यू यूज़ इट ज्यूडिशियसली, मतलब एकदम उसे ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ वॉट वी हैव लर्न, ये लेसन में क्या क्या पढ़ा, वेन सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स गेट मिक्सड विद वाटर इट बिकम्स पॉल्यूटेड। अब देखो, वो सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए जो हार्मफुल है, तो वो क्या बन जाता है, जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड बन जाता है, गंदा हो जाता है। बिफोर वेस्ट वाटर इज लेट इन टू वाटर बॉडीज इट इज़ प्रोसीड इन मैनी वेज टू प्रिवेंट दर पॉल्यूशन। अब देखो, वेस्ट वाटर, बिफोर वेस्ट वाटर, मतलब वेस्ट वाटर करने से पहले इट लेट इन टू वाटर बॉडीज, वो किस में एंटर हो जाता है, वाटर बॉडीज में। इट इज़ प्रोसीड टू मैनी वेज टू प्रिवेंट देयर पॉल्यूशन, तो वो बहुत सारे वे में प्रोसीड हो जाता है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। बिफोर द वाटर इज सप्लाइड टू द पब्लिक द डिजॉल्व्ड एंड अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस इन इट इज सेपरेटेड एट द वाटर वर्क्स एंड द जर्म्स इन इट आर डिस्ट्रॉयड। तो देखो, जो हमको पानी मिलता है, जो सप्लाई होके पब्लिक को मिलता है, उसको सप्लाई करने से पहले उसमें जो भी डिजॉल्व और अनडिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। और उसके बाद में वो जो वाटर वर्क है वो क्या करता है, उसके अंदर के जो जर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीड्स टू ड्रॉट एंड फेमाइन। अब देखो, अगर बहुत टाइम तक बारिश ना हो तो उससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, राइट, फेमाइन हो जाएगा। फेमाइन कंडीशन इफेक्ट ह्यूमन एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट ऑफ द रीजन। अब देखो, जो एरिया में बारिश नहीं होती वहाँ क्या हो जाता है, फेमाइन हो जाता है। और जब पानी वो जगह पर नहीं आए तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर, वहाँ के प्लांट्स पर, राइट। वाटर मैनेजमेंट मीन्स स्टॉपिंग और स्टोरिंग वाटर और लेटिंग इट प्रोकलेट इनटू द ग्राउंड टू मेक इट अवेलेबल इवन आफ्टर द रेनी सीजन। अब देखो, वाटर मैनेजमेंट को किसको कहते हैं, जो हम पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो रेनी सीजन के बाद में भी हमें मिले। ओके,